हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार मीना, MBBS स्टूडेंट। एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फेरेंजियल आर्च और ब्रेकियल आर्च। फेरेंजियल आर्च के बारे में बात करें तो ये अपना एम्ब्रियोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, फेरेंजियल आर्च और ब्रेकियल आर्च। पहले अपन फेरेंजियल आर्च के बारे में समझते हैं कि फेरेंजियल आर्च होता क्या है। तो देखो, होता क्या है कि जब बेबी अपना इंट्रायूटराइन लाइफ में होता है, तो जब वो 4 वीक का हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ अपना स्टोमेटोडियम का डेवलपमेंट हो जाता है, जो आगे जाके चल के इसका फ्यूचर माउथ का फॉर्मेशन करेगा। नीचे की तरफ अपना पेरिकार्डियम का फॉर्मेशन हो जाता है, जो आगे जाके चल के इसके फ्यूचर थोरेक्स का बनाएगा। ये स्टोमेटोडियम जो माउथ बनाएगा और ये पेरिकार्डियम जो थोरेक्स बनाएगा। अब देखो, माउथ एंड थोरेक्स के बीच में क्या होती है, नेक होती है, तो उस नेक का भी डेवलपमेंट होना है। तो नेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो नेक का डेवलपमेंट जो अपना स्टोमेटेडियम एंड पेरिकार्डियम के बीच में जो रीजन है ना, उसमें इलोंगेशन होता है। तो उसमें इलोंगेशन की वजह से अपने नेक का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टोमेटेडियम एंड पेरिकार्डियम के बीच के जो रीजन है उसमें इलोंगेशन है और इस टाइप अपना नेक बन गया है। तो जो नेक बना है, बन गया है ना। अब देखो, ये इलोंगेशन किस में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मीजो टर्मल की थिकनिंग होती है। उस मीजो टर्मल की थिकनिंग में इलोंगेशन हुआ, उसकी वजह से अपना नेक बन गया। तो जो चीज अपने नेक को बना रही है उसी को बोलते हैं अपन फेरिंजियल आर्च, यानी जो अपनी मीजो टर्मल की थिकनिंग है उसी को बोलते हैं अपन फेरिंजियल आर्च। ठीक है, अपने 3 जर्म लेयर्स होती है ना, सबसे बाहर की तरफ अपनी एक्टोडर्म होती है, फिर होती है अपनी मीजोडर्म, फिर होती है अपनी एंडोडर्म, है ना, तीनों चीजें होती है। अब देखो, मीजो टर्मल की थिकनिंग है उसे बोलते हैं फेरिंजियल आर्च। तो फेरिंजियल आर्च क्या है, अपनी मीजो टर्मल की थिकनिंग है जो कि नेक का फॉर्मेशन करवा रही है, फेरिंजियल आर्च। और अब ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म, एंडोडर्म का भी कुछ नाम होगा, तो एक्टोडर्म को बोलते हैं फेरिंजियल क्लेफ्ट, फेरिंजियल क्लेफ्ट, और एंडोडर्म को बोलते हैं फेरिंजियल पाउच, फेरिंजियल पाउच। तो फेरिंजियल आर्च क्या है, फेरिंजियल आर्च अपनी मीजोडर्मल थिकनिंग होती है जो कि नेक का फॉर्मेशन करवाती है। इस मीजोडर्मल की थिकनिंग है, इसमें इलोंगेशन होता है, उसकी वजह से अपना नेक का फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर यूं कहें कि स्टोमेटोडियम एंड पेरिकार्डियम के बीच में जो रीजन है उसमें इलोंगेशन हुआ, उसकी वजह से अपना नेक का फॉर्मेशन हो गया। तो फेरिंजियल आर्च अपनी मेजोडर्मल की थिकनिंग होती है, या अपनी मेसेनकाइमल के कंडेंसेशन होता है, जो कि अपनी न्यूक्लियर सेल से अपनी इंट्राएम्ब्रियोनिक मेजोडर्म है ना, उससे ड्राइव्ड होता है। तो अपन फेरिंजियल आर्च की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो फेरिंजियल आर्च आर मेजोडर्मल थिकनिंग, ठीक है, मेजोडर्मल थिकनिंग और मेसेनकाइमल कंडेंसेशन, मेसेनकाइमल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। फेरिंजियल आर्च क्या है, अपनी मेसेनकाइमल थिकनिंग या अपनी मेसेनकाइमल कंडेंसेशन होती है, जो कि न्यूरल कैर सेल से ड्राइव होता है, ड्राइव फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल, क्रेस्ट सेल्स और इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म। ठीक है, ये फेरिंजियल आर्च क्या करवा रही है, नेक का फॉर्मेशन करवा रही है। जो अपनी मेजोडर्म में थिकनिंग है, इसमें इलोंगेशन की वजह से तो नेक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फेरिंजियल आर्च क्या करवा रही है, नेक का फॉर्मेशन करवा रही है। तो नेक इज फॉर्म्ड बाय elongation of mesodermal thickening, mesodermal thickening। नेक किसके द्वारा फॉर्म हो रही है, ये अपनी मेसोडर्मल थिकनिंग है, इसमें इलोंगेशन की वजह से, या अपनी स्टोमेटोडियम एंड पेरिकार्डियम के बीच में जो रीजन है इसमें इलोंगेशन की वजह से। तो नेक इज फॉर्म्ड बाय द इलोंगेशन ऑफ मेसोडर्मल थिकनिंग और इलोंगेशन ऑफ elongation of the region between stomatodium and pericardium, stomatodium and pericardium।
तो ये अपना फेरेंजियल आर्च के बारे में, ये फेरेंजियल आर्च क्या होती है, अपनी मेजर टर्म की थिकनिंग होती है जो कि अपनी न्यूरल केयर सेल्स या अपनी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजर टर्म से ड्राइव्ड होती है। ये क्या करवाती है, अपनी नेक का फॉर्मेशन करवाती है। अपने टोटल फेरेंजियल आर्च 6 होते हैं, ठीक है, 6 फेरेंजियल आर्च होते हैं। जो अपना फिफ्थ नंबर का फेरेंजियल आर्च होता है ना, ये इसके फॉर्मेशन के बाद तुरंत डिसअपियर हो जाता है, तो फिफ्थ नंबर वाला होता नहीं है, डिसअपियर ना। तो अपने टोटल 6 फेरेंजियल आर्च होते हैं, लेकिन जो फिफ्थ वाला है वो डिसअपियर हो जाता है। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, कंपोनेंट्स तो कंपोनेंट्स देखो, इसके आधार पर कार्टिलेज आता है, कार्टिलेज और नर्व होती है, मसल्स होती है एंड आर्टरी होती है, ठीक है। एक कार्टिलेज, नर्व, मसल्स, आर्टरी, ये हर फेरेंजियल आर्च के लिए अलग अलग होती है। जैसे फर्स्ट वाले के लिए कार्टिलेज अलग होगा, नर्व अलग होगी, मसल्स अलग होगी, आर्टरी अलग होगी, ऐसे सेकंड वाले के लिए ये चीज़ें अलग होंगी, थर्ड वाले के लिए अलग होंगी, फोर्थ के लिए, और फिफ्थ वाले तो अपना डिसअपियर होगा और सिक्स वाले के लिए अलग होगी। तो इन चीज़ों का अपन याद कैसे रखें कि भाई फर्स्ट वाले के लिए कौन सी कार्टिलेज होगी, नर्व्स होगी, कौन सी मसल्स होगी, कौन सी आर्टरी होगी, तो इन्हें याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। उस चार्ट से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के लिए कौन सा कार्टिलेज होता है, सेकंड के लिए कौन सा होता है, थर्ड के लिए कौन सा होता है, फोर्थ के लिए कौन सा होता है, सिक्स के लिए कौन सा होता है, ठीक है। तो सब कुछ अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं एक चार्ट के थ्रू। तो इसके बाद अपन एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको जितना पता है वो तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, फेरेंजियल आर्च अपनी मेजर डर्मल की थिकनिंग होती है जो कि अपनी न्यूरल केयर सेल से अपनी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजर डर्म से डेवलप्ड होती है, ठीक है। और ये क्या है, नेक का फॉर्मेशन करवाते हैं अपनी फेरेंजियल आर्च। टोटल 6 फेरेंजियल आर्च होती है, फिफ्थ वाला डिसअपियर हो जाता है। कंपोनेंट्स में इसके कार्टिलेज, नर्व्स, मसल्स, आर्टरी वगैरह होती है। अब इसके चार्ट को ड्रॉ करते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन फेरेंजियल आर्च के कंपोनेंट्स के बारे में। तो फेरेंजियल आर्च के कंपोनेंट के लिए अपन एक चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। इस चार्ट से आपको फेरेंजियल आर्च के एक एक कंपोनेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो, मैंने इस कैमरे को जूम नहीं किया हुआ है, इस पेज को थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है ना, और जूम नहीं किया हुआ है ऐसे, तो आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप प्लीज इसे कोऑपरेट कीजिए और अच्छे से देखिए, आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वैसे आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा साफ ना दिखे, तो आप इसे कॉपरेट कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन आर्च, यानी फेरेंजियल आर्च के नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6। फिफ्थ नंबर का अपना डिसअपीयर हो जाता है, है ना। तो इधर लिखेंगे आर्च के नंबर, इधर लिखने वाले हैं अपन नर्व, कि कौन सी नर्व होती है अपने, कौन से आर्च के अंदर, और इधर लिखेंगे अपन इसकी मसल्स, कि कौन से आर्च के अंदर कौन सी मसल होती है, और यहाँ लिखेंगे अपन आर्टरी, है ना, और इधर लिखने वाले हैं अपन कार्टिलेज। कार्टिलेज आगे जाके चल के बोन का फॉर्मेशन करता है, है ना। तो इसके अंदर अपने कार्टिलेज भी लिखेंगे और बोन्स वगैरह भी लिखेंगे। अब आर्च, आर्च में इधर अपना फर्स्ट नंबर का फेरेंजियल आर्च, है ना, फिर होता है अपना सेकंड, सेकंड नंबर का फेरेंजियल आर्च, है ना, फिर अपना थर्ड फेरेंजियल आर्च, फिर अपना फोर्थ एंड फाइनली अपना सिक्स नंबर का फेरेंजियल आर्च। अब बात करते हैं इनके एक एक कंपोनेंट के बारे में अच्छे से। पहले फर्स्ट वाले के लिए नर्व देखते हैं। तो देखो, नर्व के लिए क्या होता है कि एक न्यूमोनिक होती है 5, 7, 9, 10, एक न्यूमोनिक होती है 5, 7, 9, 10। जब ना फर्स्ट नंबर का फेरेंजियल आर्च होता है, उसके लिए होती है अपनी 5 नंबर की क्रेनियल नर्व, सेकेंड वाले के लिए होती है 7 नंबर की क्रेनियल नर्व, थर्ड वाले के लिए होती है 9 नंबर की, और फोर्थ एंड सिक्स के लिए होती है अपनी 10 नंबर की क्रेनियल नर्व। तो अपने फर्स्ट वाले के लिए होते हैं अपनी मैंडिबुलर नर्व, ये मैंडिबुलर नर्व अपनी ट्राइजेमिनल नर्व है ना, उसका डिवीजन होता है मैंडिबुलर नर्व, जो कि अपनी क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है। सेकंड वाले के लिए होती है अपनी फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, जो कि अपनी क्रेनियल नर्व नंबर 7 होती है, ठीक है। थर्ड वाले के लिए होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ग्लोसो फेरिंजियल नर्व, जो कि अपनी क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है, ठीक है। फोर्थ वाले के लिए होती है अपनी 10, यानी क्रेनियल नर्व नंबर 10। तो 10 की दो ब्रांच होती है, एक होती है अपनी सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व, ये अपनी क्रेनियल नर्व नंबर 10।
और एक होती है इसकी इन्फीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, वो अपनी फेरेंजियल आर्च नंबर 6 होती है, इन्फीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ये इन्फीरियर लैरिंजियल को अपन रिकरेंट लैरिंजियल भी बोलते हैं ना, इन्फीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ये अपनी क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है। तो ये तो हो गई इसकी नर्व कि फर्स्ट वाले के लिए 5, सेकंड वाले के लिए 7, थर्ड वाले के लिए 9 एंड फोर्थ वाले के लिए 10। अब बात करते हैं इसकी मसल्स के बारे में। तो मसल्स में देखो, अगर आपने ये क्रेनियल नर्व पढ़ी हुई होंगी 5, 7, 9, 10, तो आपको इसकी मसल्स एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी, अच्छे से। अगर आपको नहीं पढ़ी है तो आपको ये रटनी पड़ेंगी, ये याद करनी पड़ेंगी। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं आपको समझ में आता है नहीं, लेकिन अगर आपने ये पढ़ी हुई होंगी तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएगा सब चीज़ें, है ना। तो फाइव फर्स्ट नंबर की फेरेंजियल आर्च के लिए होती है अपनी मैंडिबुलर नर्व। तो मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करता है अपना टेम्पोरो मैंडिबुलर जंक्शन को, है ना। टेम्पोरो मैंडिबुलर जंक्शन क्या करवाता है, अपने मेस्टिकेशन करवाता है। तो इसके अंदर अपनी आएगी मेस्टिकेशन की मसल्स, तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन ये आती है इसके अंदर। और एक अपनी मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच होती है अपनी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक, जो सप्लाई किसको करेगी, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल को, तो वो भी इसके अंदर आती है अपनी, हाँ, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक, ठीक है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, ये अपनी फेरेंजियल आर्च नंबर 1 की बात कर रहे हैं अपन। और इसकी एक ब्रांच और होती है अपनी माइलोहायोइड नर्व, तो माइलोहायोइड मसल भी आएगी इसके अंदर, माइलोहायोइड मसल। एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक नर्व है जो ब्रांच होती है अपनी मैंडिबुलर नर्व की, और पोस्टियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक नर्व जो ब्रांच होती है अपनी फेशियल नर्व की, तो वो यहाँ आएगी, है ना, ये माइलोहायोइड नर्व मसल हो गई। और अपनी मैंडिबुलर नर्व की दो ब्रांच होती है अपनी लेटरल टेरिकॉइड और मीडियल टेरिकॉइड, जो क्या करती है, अपनी ईयर को सप्लाई करती है ना। तो ईयर को सप्लाई करने वाली मसल्स है कौन कौन सी है, एक तो अपनी टेंसर टिम्पेनी और एक अपनी टेंसर पैलेटिनी, टेंसर पैलेटिनी पैलेटिनी। तो ये हो गई अपनी इसकी फर्स्ट नंबर के फेरेंजियल आर्च की मसल्स, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक, माइलोहायोइड मसल, टेंसर टिम्पेनी एंड टेंसर पैलेटिनी, है ना। ये जो से ऑर्गन को सप्लाई करेगी वहां की मसल्स ही तो आएंगी ना इसके अंदर। ऐसी अब बात करते हैं सेकेंड के बारे में, सेकेंड में ये फेशियल नर्व है। अब जाहिर सी बात है फेस की मसल्स तो आएंगी ही, है ना, तो इसमें आती है अपनी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फेस की मसल्स इसके अंदर आती है। लेकिन फेस की जो बोन होती है ना, काट ले जाके जाके चलकर बोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो फेस की मसल्स को तो अपन पढ़ते हैं फेरेंजियल आर्च नंबर 2 के अंदर, और बोन को पढ़ते हैं अपन फेरेंजियल आर्च नंबर 1 के अंदर। तो बोन ऑफ फेस की को अपन फेरेंजियल आर्च नंबर 1 के अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। और एक अपनी इसकी ब्रांच होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक, तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल आती है इसके अंदर, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक डाइजेस्टिक मसल। और एक फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है अपनी नर्व टू स्टेपीडियस, है ना, तो इसके अंदर अपनी स्टेपीडियस मसल आएगी, स्टेपीडियस मसल, ठीक है। ये हो गई अपनी फेरेंजियल आर्च नंबर 2 के बारे में बात, कि इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स आती हैं। अब बात करते हैं अपनी फेरेंजियल आर्च नंबर 3 के अंदर, तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की एक ब्रांच होती है अपनी स्टाइल ऑफ फेरेंजियस नर्व, तो स्टाइल ऑफ फेरेंजियस मसल है वो अपनी फेरेंजियल आर्च नंबर 3 के अंदर आएगी, स्टाइलो फेरेंजियस फेरेंजियस मसल, ठीक है। अब बात करते हैं अपने फेरेंजियल आर्च नंबर 4 के बारे में, तो फेरेंजियल आर्च नंबर 4 ये अपने फेरिंग्स को सप्लाई करता है, और 6 है ये अपने लैरिंग्स को सप्लाई करता है, तो मसल्स ऑफ फेरिंग्स, और इसके अंदर आती है अपनी मसल्स ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग की सारी मसल्स को सप्लाई करते हैं इन्फीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, बस एक को छोड़ के, जो अपनी क्रिको थायरॉयड होता है ना उसे छोड़ के, क्रिको थायरॉयड को सप्लाई करता है सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच, है ना,
इसकी भी दो ब्रांच होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो इसकी एक्सटर्नल ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है अपनी क्रिकोथायरॉयड को, तो लैरिंग्स के सारी मसल्स को सप्लाई करता है अपना कौन, इन्फीरियर लैरिंजियल ब्रांच एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड, इसे सप्लाई करती है एक्सटर्नल सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच की एक्सटर्नल नर्व। ठीक है, तो ये हो गई इसके मसल्स। अब बात करते हैं आर्टरी के बारे में। तो पहले अपना ये फेरेंजियल आर्च नंबर वन, तो इसके लिए होती है अपनी मैग्जिलरी आर्टरी, इसके लिए होती है, सेकेंड वाले के लिए होती है अपनी स्टेपीडियल आर्टरी। यहाँ पे आपने स्टेपीडियस मसल पड़ी होगी है ना, तो यहाँ पे होती है अपनी स्टेपीडियल आर्टरी। इसे ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं आप स्टेपीडियस मसल को, है ना, कि यहाँ पे स्टेपीडियस मसल है तो यहाँ पे स्टेपीडियल आर्टरी आएगी। जब आप इस चार्ट को बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये स्टेपीडियल आर्टरी है ना। थर्ड वाले के लिए होती है अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये हो गया अपने थर्ड नंबर के फेरेंजियल आर्च के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के फेरेंजियल आर्च के लिए। तो इसके लिए होती है आर्च ऑफ अओर्टा, ठीक है। एंड सिक्स वाले के लिए होती है अपनी डक्टस आर्टियोसस, आर्टेरियोसस। और एक अपनी पल्मोनरी आर्च, ठीक है, ये हो गई इसके लिए। तो ये आर्टरी हो गई। अब बात करते हैं इसके कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज में जो अपना फेरेंजियल आर्च नंबर वन होता है ना, इसके लिए होता है अपना मेकल्स कार्टिलेज, मेकल्स कार्टिलेज होता है अपने फेरेंजियल आर्च नंबर वन के लिए। और इस सेकेंड के लिए होता है अपना रिचटर्स कार्टिलेज, है ना, फेरेंजियल आर्च नंबर वन के लिए होता है मेकल्स कार्टिलेज। अब देखो, अपनी जो मैंडिबुलर नर्व है इसकी जो ब्रांच थी अपनी लेटरल टेरिकॉइड और मीडियल टेरिकॉइड जो अपने ईयर को सप्लाई कर रही थी, ठीक है, तो ईयर की बोन्स भी आनी चाहिए अपने फेरेंजियल आर्च नंबर वन के अंदर। तो ईयर की बोन आती है, ईयर की बोन कौन कौन सी होती है, अपनी मेलियस, इनकस, स्टेपीज वगैरह होती है ना, वो आती है। तो इसके अंदर सिर्फ मेलियस एंड इनकस आती है, स्टेपीज अपने फेरेंजियल आर्च नंबर सेकेंड के अंदर आती है। तो ये तो दो बोन हो गई है ना, मेलियस एंड इनकस बोन। और ये अपने टेम्पोरोमैंडिबुलर जंक्शन को सप्लाई करता है। तो अपने मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन लिखी तो है ना, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जंक्शन के अंदर एक लिगामेंट होता है अपना स्फीनोपैलेटाइल लिगामेंट, तो वो इसके अंदर आता है, स्फीनोपैलेटाइल लिगामेंट, ठीक है। और फेस की मसल्स तो इसके अंदर अपन लिखी थी, फेस की जो बोन होती है वो आती है अपनी फेरेंजियल आर्च नंबर वन के अंदर। तो बोन ऑफ फेस इंक्लूडिंग मैक्सिला, ठीक है, और इसके अंदर अपनी जो जाइगोमेटिक बोन है, पैलेटाइन बोन है, टेम्पोरल बोन है, वो भी इसके अंदर आती है फेरेंजियल आर्च नंबर वन के अंदर, क्योंकि वो जो कि बोन ही तो होती है ना, जाइगोमेटिक बोन, पैलेटाइन एंड टेम्पोरल बोन, तो ये हो गया अपनी फेरेंजियल आर्च नंबर वन के लिए। अब बात करते हैं अपने फेरेंजियल आर्च नंबर सेकंड के लिए कार्टिलेज के अंदर। तो इसके अंदर तो होता है अपना मेकल्स कार्टिलेज, इसके अंदर होता है अपना रिस्टर्स कार्टिलेज, ये अपने फेरेंजियल आर्च नंबर सेकंड के लिए। ठीक है, ये अपने फेरेंजियल आर्च नंबर सेकंड के लिए रिस्टर्स कार्टिलेज। अपनी मेलियस एंड इनकस बोन तो इसके अंदर आ रही है फेरेंजियल आर्च नंबर वन के अंदर, और इसके अंदर आती है अपनी स्टेपीज बोन, इसके अंदर आती है अपनी स्टेपीज, बोन। और इसके अंदर अपने जो स्टाइलो हायोइड लिगामेंट, फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है अपनी नर्व टू स्टाइलो हायोइड, तो इसके अंदर अपनी स्टाइलो हायोइड लिगामेंट है ना। और इसके अंदर अपने स्टाइलोइड प्रोसेसर पढ़ते हैं अपनी फेशियल नर्व के अंदर, तो इसके अंदर अपने स्टाइलोइड भी आएगा, हाँ ये आ गया।
ये होती है, और इसके अंदर जो अपनी हाइड बोन होता है ना, उसका एक स्मॉल पार्ट ऑफ हाइड बोन और एक आता है सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइड बोन, ठीक है, स्मॉल कॉर्नी ऑफ हाइड बोन और सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड बोन, वो अपनी फेरेंजियल आर्च नंबर सेकेंड के अंदर के आते हैं। तो उनको लिखते हैं अभी अपन, तो दो चीज़ हो रहा है, एक कौन सा, एक तो है अपना स्मॉल कॉर्नू ऑफ हाइड बोन, ठीक है, और एक है सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड बोन, बॉडी ऑफ हाइड बोन, ठीक है। ये हो गया अपने फेरेंजियल आर्च नंबर सेकंड के बारे में बात, ये अपने सेकंड के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं अपने फेरेंजियल आर्च नंबर थर्ड के अंदर, तो अपना स्मॉल कॉर्नी ऑफ हाइड बोन तो आता है अपना सेकंड के अंदर, और अपना ग्रेटर कॉर्नी ऑफ हाइड बोन वो आता है थर्ड के अंदर। ग्रेटर कॉर्नियो ऑफ हाइड बोन, ठीक है, ये आता है थर्ड के अंदर, और अपना सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड बोन ये आता है सेकंड के अंदर, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड बोन ये आता है थर्ड के अंदर। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हाइड बोन, ठीक है, ये हो गया अपनी फेरेंजियल आर्च नंबर थर्ड के कार्टिलेज ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपने फेरेंजियल आर्च नंबर फोर्थ एंड सिक्स्थ के कार्टिलेज, तो फोर्थ एंड सिक्स्थ के कार्टिलेज सेम होते हैं, एक ही होता है, मतलब कार्टिलेज जो लैरिंग्स के कार्टिलेज होते हैं ना वो होते हैं फोर्थ एंड सिक्स्थ के लिए। तो यहाँ पर अपन फोर्थ एंड सिक्स्थ के कार्टिलेज लिख रहे हैं, तो कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के कार्टिलेज एक्सेप्ट एपिग्लोटिस, एक्सेप्ट एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, तो ये अपने फोर्थ एंड सिक्स्थ के कार्टिलेज हो गए, है ना। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए अपने फेरेंजियल आर्च के, इन्हें एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं अपन। तो देखो फर्स्ट, इनके नर्व के लिए आपको कुछ नहीं है, 5, 7, 9, 10 याद रख सकते हैं आप, पसंद भी करके भी ट्रिक कर सकते हैं, पे से ने द, ठीक है, इस टाइप में भी याद कर सकते हैं आप। फर्स्ट के लिए 5, सेकंड के लिए 7, थर्ड के लिए 9 और फोर्थ के लिए 10, मतलब वेगस नर्व की एक तो सुपीरियर ब्रांच, और ये तो फोर्थ के लिए आती है, और सिक्स के लिए आती है इसकी इन्फीरियर ब्रांच, तो ये होगी इसकी नर्व। अब मसल्स के लिए आपको ये नर्व अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको मसल्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंडिबुलर नर्व अपने टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई करता है, तो उसकी मसल्स आएंगी, है ना। और एंटीरियर पैटी ऑफ डाइगेस्टिक ये इसकी ब्रांच होती है, तो ये आई है। माइलोहाइड नर्व इसकी ब्रांच होती है, ये आती है। मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच होती है अपनी टेरिकोइड, ठीक है, जो अपने ईयर को सप्लाई करता है, तो उसकी ये मसल्स आ गई। फेशियल नर्व है, तब फेस की मसल्स तो आएंगी ही, है ना। इसकी ब्रांच होती है अपनी पोस्टियर पैटी ऑफ डाइगेस्टिक, तो पोस्टियर पैटी ऑफ डाइगेस्टिक मसल आती है। एक नर्व टू स्टेपीडियस, तो स्टेपीडियस मसल आती है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के एक ब्रांच होती है स्टाइलोफेरेंजियस नर्व, तो स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है। सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस ये अपने करता है अपने फेरिंग्स को सप्लाई, ये करता है लैरिंग्स को सप्लाई बस, क्रिकोथायरॉइड को छोड़ के। क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करता है अपना एक्सटर्नल लैरिंजियल ब्रांच, ठीक है, ये इसकी मसल्स हो गई। आर्टरी के बारे में बात करें तो आर्टरी फर्स्ट के लिए होती है अपनी मैक्सिलरी आर्टरी, सेकंड के लिए होती है स्टेपीडियल आर्टरी, फोर्थ थर्ड के लिए होती है कॉमन कैटरी आर्टरी, इंटरनल कैटरी आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैटरी आर्टरी, फोर्थ के लिए होती है अपनी आर्च ऑफ आओर्टा, फिफ्थ के लिए होती है डक्टस आर्टेरियोसस एंड पल्मोनरी आर्च, मतलब फिफ्थ नहीं सिक्स के लिए, सॉरी सिक्स के लिए। अब बात करते हैं इसके कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में फर्स्ट के लिए होता है अपना मेकल्स कार्टिलेज, है ना। अब ये ईयर को सप्लाई करा तो ईयर की बोन्स तो आएंगी ही, तो इसके अंदर मेलियस एंड इनकस बोन है, स्टेपीज सेकेंड वाले के अंदर होता है, ये स्टेपीज सेकेंड वाले के अंदर है। और ये अपने टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिगामेंट आएगा स्पिनोपैलेटाइन लिगामेंट, और अपनी जो जाइगोमेटिक बोन, पैलेटाइन बोन, टेम्पोरल बोन आ रही है ना। फेस की मसल्स तो आती है अपने सेकंड के अंदर, फेस की जो बोन है वो आती है फर्स्ट के अंदर, तो बोन ऑफ फेस इंक्लूडिंग मैक्सिला, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर के कार्टिलेज के बारे में, तो इसके अंदर होता है अपना रिस्ट्रस कार्टिलेज, और मसल कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं इसके अंदर बोन आती है स्टेपीज बोन, मेलियस एंड इनकस इसके अंदर आ रही है, स्टेपीज इसके अंदर आ रही है। और स्टाइलोहायड लिगामेंट, एक नर्व टू स्टाइलोहायड फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, और नर्व टू स्टाइलोइड प्रोसेस भी होता है एक, है ना, तो वो सब इसके अंदर आ रहे हैं। और हायड बोन का एक स्मॉल कॉर्नियो होता है और एक सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हायड बोन, तो ये दो अपने सेकंड के अंदर आ रहे हैं।
अब स्मॉल कॉर्नियो इसके अंदर आ गया तो ग्रेटर कॉर्नियो अपने थर्ड के अंदर आता है, और सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है तो ये इसमें लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये थर्ड के अंदर आ गए, है ना। ये हो गए थर्ड के कार्टिलेज और ये हो गए सेकंड के कार्टिलेज। अब बात करते हैं फोर्थ एंड सिक्स्थ के कार्टिलेज, तो फोर्थ एंड सिक्स्थ के कार्टिलेज में कुछ नहीं है, इसके अंदर लैरिंग्स के कार्टिलेज आते हैं एक्सेप्ट एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये इसके कार्टिलेज हो गए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है, आपको बस बार बार पढ़ना है ये, ठीक है। चार्ट को आप अच्छे से पढ़ पढ़ के लिख लिख के अच्छे से याद कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है।